वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि सब्सक्राइब बटन दबा दें और बेल आइकन भी दबा दें, सबसे पहले आपको फ्यूचर में वीडियो मिलेंगे। फ्रेंड्स, आज की ये जो वीडियो होने वाली है, इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ जो हीटिंग होती है, हीटिंग से रिलेटेड इशू होते हैं, वो कूलपैड कूल वन हो या रेडमी नोट 5 प्रो हो या कोई भी डिवाइस हो, उसमें क्यों होते हैं और क्या इनको हम लोग फिक्स कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, और ये कैसी होती है हीटिंग, अच्छी है फ़ोन के लिए, और कौन सी हीटिंग सही है, फ़ोन हीटिंग, कैमरा हीटिंग, मतलब सारी हीटिंग के बारे में इशू को मैं कवर अप करूंगा। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा और सब्सक्राइब बटन को जल्दी दबा दीजिएगा, ठीक है, और जो बेल आइकन आपको दिखेगा उसको पूरी तरह से दबा दीजिएगा, बेसम एंड सब्सक्राइब बटन को दबाइएगा और लाइक करिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, अभी मत करिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, उसके बाद अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, नहीं अच्छी लगे डिसलाइक करके कोई बात नहीं, कमेंट कर दीजिएगा आपको मेरी वीडियो में क्या सही लगा, और मुझे कमेंट करिए कि हाउ कैन आई इम्प्रूव माई वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने देखा है काफ़ी जगह पे कि आपने यूट्यूब पे काफ़ी वीडियो देखी होंगी, हीटिंग से रिलेटेड वीडियो देखी होंगी, उसमें दिखा है कि मेरा टेम्परेचर 55 से मैंने इतना कर लिया यूजिंग द ऐप, कोई फ़ोन कि मतलब एक ऐप है फ़ोन क्लीनर या फ़ोन बूस्टर या मतलब सीपीयू कूलर, ऐसी कोई ऐप थी हम याद मुझे, तो उसको यूज़ करने के बाद अगर आप यूज़ करेंगे, आपने यूट्यूब वीडियो देखा होगा कि आपने जैसे यूज़ किया उसके थोड़ी देर बाद आपका 55 से टेम्परेचर घट गया, 27 हो गया। क्या रियलिटी जानते हैं क्या टेम्परेचर आपके फ़ोन का क्यों बढ़ता है? डू यू नो द रियलिटी वाई योर टेम्परेचर ऑफ योर फ़ोन कैन इंक्रीज्ड? नहीं जानते होंगे उनको, तो आपने यूट्यूब पे देखा कि डायरेक्टली आपने इस तरह से इतना दिखाया, उसके बाद ऑटोमेटिकली उनका जो 55 से 27 टेम्परेचर हुआ, आपने समझा बहुत अच्छी है, ऐप इंस्टॉल करी, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कोई बात नहीं, व्यूज़ आपने बढ़ा दिए, कोई बात नहीं। लेकिन रियलिटी जानते क्या है? अगर आप गेमिंग करते हैं उसके बाद अगर आपका फ़ोन हीट होता है, जैसा कि अगर आपका कैमरे वाला हिस्सा जो होता है पीछे वाला, बैक और फ्रंट वाले कैमरे वाला हिस्सा, और जो स्क्रीन वाला हिस्सा होता है वो तो मतलब नॉर्मल है, स्क्रीन ऊपर वाली अगर आप ध्यान देंगे तो जो बैक कैमरे वाली जो होती है और जो फ्रंट कैमरा के ऊपर जो स्क्रीन होती है वो आपकी हीट करेगी, ये जो है ये गुड है, कोई ख़राब नहीं होता, इससे कोई आपके फ़ोन को इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि जो आपके फ़ोन है के प्रोसेसर लगे हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं उससे कुछ ना कुछ एनर्जी जनरेट होती है, जब एनर्जी जनरेट होगी इसमें कोई निकलने के लिए, मैंने पहले बताया कि सीपीयू में जो हम लोगों का होता है एंड्रॉयड में से कोई पंखा तो लगा नहीं होता कि कूलर लगा होता है कि ऑटोमेटिकली आपके टेम्परेचर को कम कर दे, लेकिन इसके अंदर ऐसा एल्गोरिज्म होता है कि जैसे जैसे आप मतलब अपना फ़ोन यूज़ करेंगे, गेम खेलेंगे, कोई हैवी यूजेस करेंगे, मल्टीटास्किंग करेंगे, वैसे वैसे आपके फ़ोन, आपका जो फ़ोन होगा उसकी परफॉर्मेंस लो हो जाएगी, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता बैटरी पे, मतलब पड़ेगा ये नहीं कह रहा हूँ। अगर देखिए, अगर आपका फ़ोन की बैटरी परमानेंटली गर्म रहती है, अगर आप ऊपर से देखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, मतलब इतनी तो कोई इफेक्ट जाना नहीं पड़ता, अगर ध्यान दीजिए अगर आपके फ़ोन की बैटरी परमानेंटली गर्म हो रही है तो दैट्स अ इशू। लेकिन अगर जो आप गेम खेलते हैं या नॉर्मल, आप अगर यूज़र मैनुअल पढ़ेंगे फ़ोन का, मैंने देखा है कि काफ़ी लोग यूज़र मैनुअल पढ़ते ही नहीं, क्योंकि डायरेक्टली फ़ोन लिया, यूज़ किया, सेटअप लगाया और बैक कवर लगाया, चालू यूज़ करना, कोई यूज़र मैनुअल कुछ पढ़ना ही नहीं है, सब यूट्यूबर्स कहते हैं बेकार है, कोई पढ़ता ही नहीं है, लेकिन आपको पढ़ना चाहिए उसमें साफ साफ क्या लिखा है, उसके बाद तब आप लोग कहते हैं कि हीटिंग हो रही फ़ोन में, ये हो रहा है, वो हो रहा, साफ साफ उसमें लिखा रहता है। अगर आप नॉर्मली फ़ोन यूज़ करते हैं नॉर्मल टेम्परेचर में, तो आपके फ़ोन का टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, ये कोई इशू नहीं है, नॉर्मल जाके चेक करिएगा, ठीक है, आपके जो फ़ोन की यूज़र मैनुअल हो या ना हो तो आप चेक कर लीजिएगा, 42 डिग्री सेल्सियस तक ये टेम्परेचर पहुंच जाता है अगर आप नॉर्मल यूज़र में, तो कोई बात नहीं होती है, फ्रंट जो कैमरा होता है, जो बैक कैमरे के जो मतलब पीछे वाला हिस्सा होता है जना, वो हीट करेगा, दैट्स नो प्रॉब्लम। कोई प्रॉब्लम इससे होती है अगर आपका मतलब मान लीजिए बैटरी पे, अगर बैटरी पे हाथ रखिए बहुत गर्म लग रहा है तो ये प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन एक चीज़ जो ध्यान रखनी है कि बैक कवर जो आप लोग यूज़ करते हैं, कोई बात नहीं, यूज़ करने चाहिए कि आपका फ़ोन प्रोटेक्ट रहता है। सबसे बड़ी बात जानते हैं हीटिंग ही क्या है, वो है आपका बैक कवर। इस वीडियो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है सर, चैनल को इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहेंगी, ठीक है, और लाइक करिएगा अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो, ठीक है। मैं कहा था बैक कवर, जो बैक कवर है वो मेन रीज़न है आपकी हीटिंग का, क्योंकि जो हम लोग जब गेमिंग करते हैं या कोई वीडियो एडिटिंग करते हैं या रिकॉर्डिंग करते हैं तो हम लोग का कैमरा परमानेंटली ओपन हो जाता है, जिससे परमानेंटली प्रोसेसर पे लोड पड़ता है, जिससे नॉर्मल यूज़र में हम लोग व्हाट्सएप, फेसबुक, मैसेंजर कुछ भी यूज़ कर रहे हैं कोई बात नहीं, वो तो ठीक है थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन जब हम लोग एक काम पे डायरेक्टली फोकस कर देंगे या कैमरे पे वीडियो बनाएंगे 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट तो वो हीट करेगा, कोई बात नहीं।
अगर आप गेमिंग कर रहे हैं, मान लीजिए आप 10 मिनट गेमिंग कर रहे हैं, 15 मिनट कर रहे हैं, आधा घंटा कर रहे हैं, अगर अब ये तो होने की कंटिन्यूसली आप गेमिंग करते रहेंगे नो प्रॉब्लम, हीटिंग नहीं होनी है, ऐसा नहीं है साहब। ये बात होती है कि कोई भी ऐसी एप्लीकेशन नहीं है जिसकी मदद से आप अपनी हीटिंग को कम कर सकें। यूट्यूब पे देखते हैं ना कि मेरा 42 डिग्री सेल्सियस, 45 डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री सेल्सियस, क्या मतलब भट्टी है क्या जो 60 पे बता दिया? तो मतलब अगर 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो रहा है आपका तो बैटरी फटी जाएगी पहली बात तो, ठीक है। जो उसका मतलब अप्रॉक्सीमेटली उसमें टेम्परेचर दिया जाता है वो मान लीजिए हाँ इसे ही कुछ 55-60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया जाता है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा आपका टेम्परेचर पहुँच रहा है तो ये नहीं है कि मतलब आपका फ़ोन, अगर मान लीजिए नॉर्मल यूज़र में जहाँ से यूज़र में अगर मान लीजिए आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं उसके बाद आपका फ़ोन डायरेक्टली यूज़ करने के लिए आपने फ़ोन उठाया, आपका बहुत गर्म फ़ोन है, तो ये आपके फ़ोन के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। या तो आप एक चीज़ कर सकते हैं, अगर आपका फ़ोन ज़्यादा हीट करे या तो ज़्यादा हीटिंग हो, तो एक चीज़ कर सकते हैं जो कि है आप बैकग्राउंड की ऐप्स को किल कर दिए, या तो ना करिए तो आप जो आप फ़ोन को रीबूट कर लीजिए, ठीक है। रीबूट करने से क्या होगा, आपका सिस्टम रिफ्रेशली ओपन होगा और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और हीटिंग अगर गेमिंग कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, हीटिंग होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर आप कोई भी फ़ोन लीजिए, आप कोई भी फ़ोन ले लीजिए जो कहते हैं कि हीटिंग नहीं होती है, चाहे महंगे से महंगा फ़ोन लीजिए चाहे लो बजट रेंज फ़ोन ले लीजिए, हीटिंग आपको सारे फ़ोन में मिलेगी, बस थोड़ी सी मतलब कम हो जाती है। वो प्रोसेसर डिपेंड करता है, मान लीजिए 652 कूलपैड कूल में है, रेडमी नोट 5 636 है, तो मतलब उसकी जो क्वालिटी बनी है, जो प्रोसेसर बना है वो तो थोड़ा सा अपडेटेड हो गया है, जो अपडेटेड चीज़ होगी थोड़ी सी अच्छी करेगी, थोड़ा सा कम हीट करेगा, बट हीट करेगा, ये नॉर्मल थिंग होती है, हीट करेगा, ऐसा नहीं हो सकता है कि हीट ना करे, ये हीट होगा, ठीक है। तो हीटिंग होनी है, तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो तुरंत आप ऐसा कर सकते हैं, आप फ़ोन को रिबूट कर लीजिए, जब आपका फ़ोन ज़्यादा जाता है तो आप स्विच ऑफ करके रख दीजिए, या तो आप ऐसे मतलब सराउंडिंग में अपने फ़ोन को यूज़ करिए गेम के लिए, या मतलब ज़्यादा टेम्परेचर मान लीजिए कि 37 डिग्री सेल्सियस आपका मतलब सराउंडिंग का टेम्परेचर है, तो अगर आप फ़ोन यूज़ करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली आपका 45 डिग्री सेल्सियस पहुँच जाएगा। अगर आप गेमिंग करते हैं, अगर नॉर्मल फ़ोन में, जैसा कि मान लीजिए मैं गेमिंग वीडियो बनाता हूँ कभी कभी, जो पबजी मोबाइल गेमिंग करता है, 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुँच जाता है मेरा, तो क्या कह दूँगी, बहुत बड़ी हीटिंग हो रही है, मुझे पहले था, लेकिन जब मैंने जाना है फ़ोन वोन के बारे में थोड़ा सा मतलब मुझे नॉलेज आई, तो मुझे लगा कि ये कोई हीटिंग कोई प्रॉब्लम नहीं होती है इसमें, आप कोई डोंट वरी, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहीं तक कि मैं वीडियो रखता हूँ, ज़्यादा लंबी नहीं रखता हूँ। तो अगर आप प्लीज़ आपसे विनती है कि आप कोई भी क्लीन मास्टर, कोई क्लीन ऐप डाउनलोड मत करिएगा, क्योंकि अगर आप इंस्टॉल करते हैं तो वो हीटिंग का मेन रीज़न और बन जाती है, क्योंकि वो डायरेक्टली आपके बैकग्राउंड में कंटिन्यूसली रन करती रहती है, ठीक है। तो हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो गई हो, तो अगर वीडियो लंबी हो, लेकिन वीडियो लंबी जरूर है, लेकिन आपको ये जो मैंने नॉलेज दी है कुछ यूज़फुल लगी हो तो उससे लाइक भी कर दीजिएगा वीडियो को। थोड़ा सा मतलब लंबी वीडियो बनाई है, मैंने खुद सोची थी, मैंने देखा कि काफ़ी जगह व्यूवर्स मुझे कमेंट करते हैं कि वीडियो मतलब हीटिंग का कोई सोल्यूशन, दैट्स अ बिग नो, कोई सोल्यूशन नहीं है, मतलब हीटिंग का ही हीटिंग होनी ही है। एक चीज़ आप कर सकते हैं, आपके फ़ोन में हीटिंग हो रही है तो प्रोसेसर निकाल दीजिए, कैमरा निकाल दीजिए, फेंक दीजिए, ठीक है, यही कर सकते हैं, कुछ नहीं है, हीटिंग सॉल्व नहीं हो सकती है। हीटिंग सॉल्व करने का एक ही तरीका है, आप हैवी ऐप यूज़ करना मत बंद कर दिए, गेमिंग करना बंद कर दिए, आपका फ़ोन हीट नहीं करेगा, जो बड़ी बड़ी एप्लीकेशन यूज़ करना बंद कर दिए, तो अगर आप बंद कर देंगे तो फिर आपका फ़ोन जो 4GB रैम वाला वो किस लिए है। तो वीडियो मैं इतनी रखता हूँ, फिर मिलते हैं अगली वीडियो पे, थोड़ी वीडियो बड़ी हो गई है तो कोई बात नहीं, फिर अगली वीडियो में मिलेंगे, ऐसी वीडियो में लाऊंगा, ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। अगर इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और जिसको भी ये प्रॉब्लम होती हीटिंग की उसको आप बता दीजिएगा, ठीक है। आप वीडियो मत शेयर करिए, समझिए कि मैं यूज़ कर रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन आप खुद बता दीजिएगा कि ये है मेन रीज़न हीटिंग का, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन फॉर द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय, वी विल बी मीट अप नाउ टुमारो।